इसको लव भी इसे लव बटर कहा जाता है। ऐसा ऐसा धार्मिक मान्यताएं हैं कि जब यहाँ महाभारत के 5 पांडव आए हुए थे तो इस पानी को प्रकट किया था अर्जुन ने, लेकिन ये पीने योग्य नहीं था क्योंकि उनको इतना ज़्यादा क्रोध आया था, उनको प्यास लगी थी, कहीं आसपास पानी नहीं था, तो उन्होंने इंद्रदेव से पूछा था कि पानी यहाँ कहाँ से पानी आ सकता है। तो इंद्रदेव ने लेट कर दिया था, यानी उनका जो संदेश था उसको लेट दिया था, ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो फिर उन्होंने इस जल को प्रकट किया था, लेकिन उस टाइम पे कोई पी नहीं रहा था क्योंकि ये अशुद्ध जल था। फिर जब जाते समय जो उनके साथ ही द्रौपदी, उन्होंने कहा कि यदि अपन आज इस पानी को नहीं पियेंगे तो फिर ये हमेशा के लिए अशुद्ध हो जाएगा। तो फिर उन दोनों लोगों ने पिया था। ऐसा माना जाता है कि जो भी हस्बैंड वाइफ या अनमैरिज लोग इसको पिएंगे उनके बीच में जो लव है वो इंक्रीज होगा। अनमैरिड कैसे मतलब लाइक अनमैरिड पिए तो क्या हो जाए? हाँ, ये है भाई, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि लव उनका इंक्रीज होगा, प्यार दोनों के बीच में बढ़ेगा। ये धार्मिक मान्यता है। बाकी साइंटिफिक रीजन ये है कि ये जो लाइमस्टोन देख रहा है वाइट वाइट, ये लाइमस्टोन है। तो लाइमस्टोन की विशेषता होती है चूना पत्थर की, वो रेनी सीजन में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर ऑल ओवर दी रिलीज करता रहता है। तो हमेशा आने का रीजन ये है। और पहाड़ के अंदर से पानी आता, अंडरग्राउंड आता है, तो बहुत सारी इसमें जड़ी बूटियाँ आती हैं, तो ये पीने योग्य पानी आरओ से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे मैंने बताया था कि लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन है यहाँ रॉक का, तो ऊपर से पानी डालेंगे यदि अपन रॉक में तो नीचे से वो फिल्टर होके आ जाएगा, तो ये पूरा पानी फिल्टर होके आता है रॉक के माध्यम से, तो ये पानी कई गुना ज़्यादा है आरओ से। 12 महीने ऐसी गिरता और हमेशा, आप कभी भी किसी भी सीजन में आए, विंटर सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन, 10 किलो में ही पानी आता है। ये सही था, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी हो जाएगी। एक काम करो, तो